इससे पहले लेक्चर में हमने टू डायमेंशनल अरेंजमेंट बताया था। टू डायमेंशनल अरेंजमेंट में दो टाइप के अरेंजमेंट लेकर चले थे, एक तो अपने पास स्क्वेयर क्लोज अरेंजमेंट लिया था और सेकंड हमने लिया था हेक्सागोनल क्लोज अरेंजमेंट। स्क्वेयर क्लोज अरेंजमेंट में हमने बताया था कि जो जितने भी स्पेयर्स हैं या जो पार्टिकल्स हैं उनके जो सेंट्रल पॉइंट है वो एक लाइन में हॉरिजॉन्टल लाइन में हमने इसको अरेंज किए थे। लेकिन अगर अपने बात करें सेकंड जो हमारे पास हेक्सागोनल क्लोज जो अरेंजमेंट था, हेक्सागोनल क्लोज अरेंजमेंट में देखा था कि जो सभी पार्टिकल्स के जो सेंट्रल पॉइंट है वो सेंट्रल पॉइंट एक लाइन में नहीं आए थे, ठीक है। तो उस टाइप के जो अरेंजमेंट को हमने बताया था हेक्सागोनल अरेंजमेंट लिया था। हेक्सागोनल अरेंजमेंट को अपने इस तरह से भी देख सकते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड लेयर के जो पार्टिकल्स का जो सेंट्रल पॉइंट है वो एक लाइन में आ रहा है, सेकेंड और फोर्थ पार्टिकल का जो सेंट्रल पॉइंट है वो एक लाइन में आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट बना था उसको हेक्सागोनल अरेंजमेंट बताया था। और इस हेक्सागोनल अरेंजमेंट में जो पार्टिकल्स के लिए अगर हमने कोऑर्डिनेशन नंबर देखा था वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया था। जैसे इस सेंटर पॉइंट को अगर देखते हैं तो ये 6 पार्टिकल से कवर रहता है, तो इसका जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर था वो हमारे पास इसको बताया कि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास 6 आ गया, ठीक है। तो ये तो टू डायमेंशनल अरेंजमेंट की बात की थी। सेम इस अरेंजमेंट को इस तरह से भी देख सकते हैं, सेंटर पार्टिकल है और ये 6 पार्टिकल से कवर रहता है, मींस इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 है। तो यहाँ पार्टिकल के बीच में ये जो जगह बन रही है इसको अपने क्या बोला जा सकता है, वॉइड्स बोला जा सकता है। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास 6 वॉइड्स बन रहे हैं या 6 इंटरस्टिशियल साइट बन रही है। तो 6 वॉइड या 6 इंटरस्टिशियल साइट दो टाइप की बनेगी ये, जिसको अपने फर्स्ट को बोला जा सकता है टेट्राहेड्रल और सेकंड बोला जा सकता है ऑक्टाहेड्रल। मींस जो इंटरस्टिशियल साइट्स है या जो वॉइड्स है आगे अपने इसको कंसीडर किया जाएगा टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। सो दो टाइप्स के वॉइड्स बन जाएंगे। अगर जो थर्ड लेयर बनेगी मींस अब इसके ऊपर लेयर आएगी, मतलब अब यहां पार्टिकल अरेंज होंगे इस तरह से, तो इनका अरेंजमेंट हमने इस तरह से शो किया जाएगा। तो ये जो पार्टिकल अरेंज होंगे मींस थर्ड लेयर जब इसके ऊपर बनेगी वो अगर टेट्राहेड्रल वॉइड्स में बन रही है, ठीक है, या वो थर्ड लेयर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में बन रही है, तो उसके बेस पर जो थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, किससे, टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो दो टाइप की बन जाती है। कौन कौन सी, अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड से बन रही है तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर नाम दे दिया जाएगा, और अगर टेट्राहेड्रल वॉइड से बन रही है तो उसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर इसको नाम दे दिया जाएगा, या शॉर्ट फॉर्म में इसको बोल दिया जाएगा सीसीपी, या इसको अपने एफसीसी टाइप की स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। सेम थिंग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एचसीपी भी नाम इसको दिया जा सकता है। दूसरे तरह से इसको अगर अपने देखना चाहे तो अपने इसको इस तरह से देख सकते हैं कि अपने जैसे ये वाली लेयर थी इसको मिडल लेयर मान लें, बी लेयर इसको नाम अगर दे दिया जाए, तो अगर अपर लेयर और लास्ट लेयर दोनों डिफरेंट वर्ड्स में बन रही है, अब डिफरेंट वर्ड्स का मतलब जैसे अपने इस वर्ड्स को नंबर 1 दिया था, तो अपने पास देखो अपर लेयर कौन कौन से वर्ड्स में आ रही है, जो ये पार्टिकल्स आ रहे हैं सेकंड में आ रहे हैं, थर्ड में आ रहे हैं, ठीक है, और सिक्स में आ रहे हैं, ठीक है, सॉरी सेकंड, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 तो यहां देख सकते हैं ये अपर लेयर कहां आ रही है, 6 नंबर पार्टिकल वर्ड्स में, सेकंड में और फोर्थ में, और जो नीचे की लेयर है वो कहां आ रही है, फर्स्ट में, 5 में और थर्ड में। मींस ए बी सी अपर लेयर और लास्ट लेयर का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट टाइप का हो रहा है, तो इसको अपने क्यूबिक क्लोज स्ट्रक्चर बोल दिया जाएगा। और यहां पर क्या होता है कि देख सकते हैं सेम वर्ड्स में आ रही है 1 2 3 4 5 6 तो देखिए कि दोनों जो पार्टिकल्स हैं अपर लेयर और लास्ट लेयर के सेम वर्ड्स में आ रहे हैं, इस तरह से यहां पर भी ये दोनों सेम वर्ड्स में आ रहे हैं और सेम चीज यहां पर भी आ रही है। तो अगर अपर लेयर और लास्ट लेयर के जो पार्टिकल्स हैं ये जो स्पेयर्स हैं वो सेम वर्ड्स में आएंगे तो उसको अपने हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बोल दिया जाएगा, या इसको ए बी ए टाइप का अरेंजमेंट बोल दिया जाएगा, ठीक है, इस अरेंजमेंट को नाम दे सकते हैं ए बी ए अरेंजमेंट। और सेकंड क्या हो सकता है कि जो अपर लेयर और लास्ट लेयर है वो डिफरेंट वर्ड्स में आ रही है,
तो उसको अपने ए बी सी टाइप का अरेंजमेंट भी नाम दिया जा सकता है। तो ए बी सी टाइप का जो अरेंजमेंट होगा उसको क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बोला जाएगा, और ए बी ए टाइप का जो अरेंजमेंट होगा उसको अपने हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर नाम दिया जाएगा। जो हमारे पास एचसीपी टाइप की जो स्ट्रक्चर बनती है वो एचसीपी टाइप की स्ट्रक्चर अपने बेसिकली जैसे कुछ एलिमेंट्स है ट्रांजिशन, या अपने जैसे मैग्नीशियम और जिंक मेटल में ये टाइप का अरेंजमेंट अपने को देखने को मिलता है। मैग्नीशियम की स्ट्रक्चर देखी जाए तो एचसीपी टाइप की, या जिंक की जो स्ट्रक्चर देखी जाए तो वो एचसीपी टाइप की स्ट्रक्चर होती है। सेम अगर सीसीबी टाइप की स्ट्रक्चर अगर देखें या एचसीसी टाइप की स्ट्रक्चर अगर देखना चाहे तो वो हमारे पास एक कॉपर है, सिल्वर है, इस टाइप के जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उसमें सीसीपी या एचसीसी टाइप की स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलती है। तो टू टाइप का यहाँ पर अरेंजमेंट हो गया, जो हमारे पास टू डायमेंशनल अरेंजमेंट से जब थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट किया था तो यहाँ पर इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में, अगर इनका कोऑर्डिनेशन नंबर देखा जाए तो वो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़कर 12 हो जाता है। 12 कैसे हो गया, देखिए 6 अभी सेंटर पॉइंट को अगर देखते हैं, सेंटर स्फीयर को देखते हैं तो 6 तो उसके लेयर में थे, मतलब हेक्सागोनल प्लेन स्ट्रक्चर थी, और 3 इसके ऊपर आ गए और 3 नीचे आ गए, तो टोटल कितने हो गए 3 6 + 3 टोटल हो गए पार्टिकल्स 12। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 12। सेम इसके ऊपर भी 3 6 + 3 तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना हो गया हमारे पास 12 हो गया। तो दोनों स्ट्रक्चर में हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो बढ़कर 12 हो चुका है, ठीक है। तो पहले टू डायमेंशन में इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था और अब इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 12 हो गया। स्ट्रक्चर दो टाइप की बनेगी लेकिन दोनों का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का सेम रहता है। सेकेंड टाइप का जो टू डायमेंशनल अरेंजमेंट था वो हमारे पास था स्क्वेयर क्लोज पैकिंग। स्क्वेयर क्लोज पैकिंग कौन सी थी, जिसमें सभी पार्टिकल्स या सभी स्फीयर्स का जो सेंट्रल पॉइंट था वो सेंट्रल पॉइंट अपने एक ही लाइन में लेकर चल रहे थे, तो वो हमारे पास जो था उसको अपने स्क्वेयर क्लोज पैकिंग बताया था। और स्क्वेयर क्लोज पैकिंग के अंदर हमने जो कोऑर्डिनेशन नंबर बताया था वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बताया था, कि इसमें जो सेंट्रल पार्टिकल को चारों तरफ से चार पार्टिकल्स इसको कवर कर रहे हैं। तो अब इससे टू डायमेंशनल अरेंजमेंट से जब थ्री डायमेंशनल टाइप का अरेंजमेंट किया जाएगा तो टू डायमेंशनल से थ्री डायमेंशनल कैसे होगा, जैसे अपनी ये बात कर रहे हैं कि ये तो हमारे पास पार्टिकल्स हो गए जिसमें अपने टू डायमेंशनल मतलब दो डायरेक्शन में अपने पार्टिकल्स को लेकर चल रहे हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अपने इनको लेकर चले, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में इसको लेकर चल पड़े। अब क्या करेंगे, पार्टिकल्स के ऊपर पार्टिकल जब लेकर जाएंगे मतलब थर्ड लेयर जब इसके ऊपर लगाएंगे तो थर्ड लेयर कैसे आएगी, इन पार्टिकल्स के ऊपर ही पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कर दिया जाएगा। इस टाइप से जब इसका अरेंजमेंट होगा पार्टिकल के ऊपर अपने पार्टिकल्स का जब अरेंजमेंट करेंगे तो इस अरेंजमेंट को ऐसा समझ सकते हैं, ये हमारे पास जो नीचे की लेयर है और सेम लेयर इसके ऊपर बन रही है, तो इस टाइप के अरेंजमेंट को ए ए ए टाइप का जो अरेंजमेंट अपने नाम देख सकते हैं। और इस ए ए टाइप के अरेंजमेंट से हमारे पास जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं उस स्ट्रक्चर को अपने एसीसी टाइप की स्ट्रक्चर अपने इसको नाम दिया जा सकता है, ठीक है। तो एसीसी टाइप के अपने पास सिंपल क्यूबिक लैटिस टाइप की जो स्ट्रक्चर हमने पास यहाँ पर बनेगी, और इस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो थ्री डायमेंशनल जो अरेंजमेंट हो गया या थ्री डायमेंशनल जो क्लोज पैकिंग हो गई एससीसी टाइप की, एचसीपी टाइप और सीसीपी टाइप या एफसीसी टाइप इसको अपने नाम दिया जा सकता है। तो ये हमारे पास क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, हमने तीन टाइप के क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बताई, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास जो नया टॉपिक है वो है हमारे पास वॉइड्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इंटरस्टिशियल वॉइड्स और इंटरस्टिशियल साइड्स, ये हमारे पास जो टॉपिक बनता है। इंटरस्टिशियल वॉइड्स या इंटरस्टिशियल साइड्स क्या है, जब अपने पार्टिकल्स का क्लोज पैकिंग जब कर रहे थे तो उस क्लोज पैकिंग में अपने देख रहे थे कि जैसे इस टाइप से अपने इसको क्लोज पैक कर रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्लोज पैकिंग के अंदर जो इन पैकिंग के बीच में जो स्पेस बच रहा है इस स्पेस को अपने क्या नाम दिया है, वॉइड्स नाम दिया। दो टाइप का अपने अरेंजमेंट दिखाया था, जिनमें सभी पार्टिकल्स का जो सेंट्रल पॉइंट था वो एक लाइन में था, और दूसरे में अपने बताया था कि जो सेंट्रल पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो एक लाइन में नहीं है।
तो अपने कह सकते हैं कि वर्ड्स क्या था, तो जो क्लोज पैक स्ट्रक्चर में जो स्पेयर्स है उन स्पेयर्स के बीच में जो स्पेस बचता है उस स्पेस को अपने क्या नाम देख सकते हैं, वर्ड्स नाम दे सकते हैं। तो इन द क्लोज पैक स्ट्रक्चर ऑफ स्पेयर्स सम स्पेस रिमेन एम्प्टी, उस एम्प्टी स्पेस को अपने क्या नाम दिया गया है, वर्ड्स या इंटरस्टिशियल साइड इसको नाम दिया गया है। तो दो टाइप का अरेंजमेंट, फर्स्ट टाइप का अरेंजमेंट आप देख सकते हैं कि अगर एक प्लेन में तीन पार्टिकल्स या तीन स्पेयर्स आ रहे हैं, जैसे ये देख सकते हैं इस अरेंजमेंट में तीन पार्टिकल्स एक प्लेन में आ रहे हैं और फोर्थ पार्टिकल उसके ऊपर जब आ जाएगा तो उससे जो वर्ड्स बनेगा, मतलब टोटल फोर पार्टिकल से मिलकर जो हमारे पास जो वर्ड्स बनता है उस वर्ड्स को अपने टेट्राहेड्रल वर्ड्स नाम देंगे। तो ये हमने फोर पार्टिकल से मिलकर जो वर्ड्स बन रहा है उस वर्ड्स को अपने टेट्राहेड्रल वर्ड्स नाम दिया गया। मींस इसमें क्या होगा, तीन पार्टिकल या तीन स्पेयर तो एक प्लेन में है और फोर्थ उसके ऊपर आ रहा है, इनके बीच में जो हमारे पास जो स्पेस बन रहा है, जो एम्प्टी पोजीशन बन रही है, उसको अपने क्या नाम दिया गया, टेट्राहेड्रल वर्ड्स। और इस टेट्राहेड्रल वर्ड्स में अगर हम देख सकते हैं जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो फोर, मतलब फोर पार्टिकल्स मिलकर टेट्राहेड्रल वर्ड्स की फॉर्मेशन करते हैं। सेकेंड टाइप का जो हमारे पास जो वर्ड्स बनता है, जो एम्प्टी स्पेस है, उसको अपने ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जब चार पार्टिकल्स है, फोर पार्टिकल्स तो एक प्लेन में होंगे, एक पार्टिकल बिलो द प्लेन होगा और एक पार्टिकल अबव द प्लेन होगा। मीन्स अपने ये कह सकते हैं कि जैसे ये पार्टिकल्स हैं हमारे पास, फोर पार्टिकल्स हैं, ये फोर पार्टिकल्स हो गए, इनमें से एक पार्टिकल तो अबव द प्लेन हो गया और एक क्या हो गया, बिलो द प्लेन हो गया। तो इनके बीच में जो हमारे पास एम्प्टी स्पेस बचेगा उस एम्प्टी स्पेस को अपने यहाँ पर जो नाम दिया जाएगा वो नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हो जाएगा। मीन्स ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के फॉर्मेशन में टोटल सिक्स पार्टिकल पार्टिसिपेट करते हैं, फोर पार्टिकल तो एक प्लेन में रहते हैं, एक पार्टिकल बिलो द प्लेन और एक अबव द प्लेन हमारे पास रहता है। तो इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है हमारे पास वो कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स हो जाता है कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को सिक्स पार्टिकल्स मिलकर बनाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज अपने पास मेन बनती है कि जो एक स्पेयर्स है बेसिकली वो एक स्पेयर्स दो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की, टू टेट्राहेड्रल वर्ड्स की फॉर्मेशन करते हैं, एक स्पेयर्स टू ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की फॉर्मेशन कर सकता है और सेम एक स्पेयर वन टेट्राहेड्रल वर्ड्स की फॉर्मेशन, सॉरी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, तो एक स्पेयर टू टेट्राहेड्रल वर्ड्स और एक स्पेयर वन ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की फॉर्मेशन कर सकता है। इस चीज को अगर मैं देखें कि अगर टोटल अपने जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स या स्पेयर्स हैं उन स्पेयर्स का नंबर अगर अपने n लेकर चलते हैं, टोटल स्पेयर्स या टोटल पार्टिकल्स अपने पास n है, तो n पार्टिकल या n स्पेयर से जो हमारे पास टेट्राहेड्रल वर्ड्स बनेंगे वो टेट्राहेड्रल वर्ड्स बनेंगे 2n। ठीक है, क्योंकि हमने कहा था एक स्पेयर टू टेट्राहेड्रल वर्ड्स बनाता है और ऑक्टाहेड्रल जो वर्ड्स बनेंगे वो बनेंगे हमारे पास n। तो टोटल वर्ड्स हमारे पास कितने हो जाएंगे, मींस एक पार्टिकल या एक स्पेयर टोटल वर्ड्स कितने बना सकता है, तो अपने कहेंगे टोटल वो 3n वर्ड्स की फॉर्मेशन कर सकता है। इनमें से 2n टेट्राहेड्रल होंगे और 1n ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हमारे पास बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास वर्ड्स का नंबर अपने कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने वर्ड्स अपने पास यहाँ पर बनते हैं। क्लियर हो गया हमारे पास ये टॉपिक, इंटरस्टेटल साइट्स था और इंटरस्टेटल साइट के अंदर अपने पास कितने वर्ड्स की फॉर्मेशन हमारे पास हो रही है, तो ये हमारे पास इसका टॉपिक है। अब इस पर बेस्ड कुछ एक क्वेश्चन अपने देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन अपने पास बन सकते। सेम अपने इस टॉपिक पर अपने क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, एटम्स ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म HCP क्रिस्टल। ठीक है, जो बी एटम है वो HCP क्रिस्टल लैटिस की फॉर्मेशन कर रहा है। एटम्स ऑफ ए आर फिल्ड इन टू बाई थर्ड ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स,
कि जो बी से जो टेट्राहेड्रल क्वार्ट्स बन रहे हैं उनमें ए उसके 2/3 टेट्रा क्वार्ट्स में रह रहा है. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म बाय एलिमेंट्स ए एंड बी. तो आपने देखा कि जो नंबर ऑफ बी एटम्स इन एलसीपी लैटिस के अपने बी एटम का जो एलसीपी लैटिस में नंबर देखा वो नंबर अपने देखा जैसे लैटिस को अपने कर लिया कि वो एक्स है ठीक है और वो एक्स बी कैसे वर्ड्स बना रहा है टेट्राहेड्रल वर्ड्स बना रहा है और अपने कहा था कि एक स्फीयर दो टेट्राहेड्रल वर्ड्स बनाता है. तो अपने कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने x, तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने हो जाएंगे हमारे पास 2x हो जाएंगे और जो a एटम है वो उसका 2/3 पार्ट टेट्राहेड्रल वर्ड्स का वो ऑक्यूपाई कर रहा है. तो अपने कह सकते हैं कि a कितना हो जाएगा वर्ड्स कितने थे 2x और उसका 2/3 पार्ट कितना हो जाएगा हमारे पास 4x/3. तो हमारे पास a और b का जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा 4x/3:2x. तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इस कंपाउंड का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो फॉर्मूला क्या है a4b3 हमारे पास इस कंपाउंड का फॉर्मूला आ जाएगा जो इस क्वेश्चन में अपने से कंसीडर या पूछा गया है हमसे. तो इस टाइप के क्वेश्चन बुक में अपने को और भी दे रखे हैं उन क्वेश्चन को अपने देख सकते हैं. जैसे अपने एक क्वेश्चन यहां पर है ए क्यूबिक सॉलिड इज मेड अप टू टाइप्स ऑफ एटम ए एंड बी. बी इज द सेंटर ऑफ द क्यूबिक. जो बी एटम है वो किसी भी जो लैटिस है उसके सेंटर में प्रेजेंट है एंड ए आर एट द कॉर्नर. जो ए पार्टिकल्स है वो कॉर्नर पर प्रेजेंट है. व्हाट इज द पॉसिबल फॉर्मूला ऑफ द सॉलिड. तो इस सॉलिड का अपने से पॉसिबल फॉर्मूला वो पूछ रहा है अपने से. तो आपने पता है जो कॉर्नर पर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है किसी भी यूनिट सेल के उसके लिए जो नंबर आता है जो रेशियो आता है वो कितना आता है 1/8/8. तो उसका जो नंबर है कंट्रीब्यूशन ऑफ बी इन द यूनिट सेल वो कितना आ जाता है हमारे पास 1 और कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल ए वो भी हमारे जो कॉर्नर पर प्रेजेंट है उसका भी कितना आ जाता है 1. तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाता है वो फॉर्मूला बन जाता है 1:1 का हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है. तो इस टाइप के अगर अपने को बहुत से क्वेश्चन बुक में दिए गए हैं उन क्वेश्चन को अपने सॉल्व करने की कोशिश करेंगे.